नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। हिमाचल प्रदेश में टक्कर के साथ कांग्रेस अभी रुझाने में थोड़ी आगे निकलती दिख रही है। हालांकि अभी रुझाने के नतीजे तेजी से बदल रहे हैं, जिसके कारण दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक फतेहपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया आगे चल रही हैं, जिन्हें 12 बजे तक 16,556 वोट मिले हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी राकेश पठानिया को 15,260 वोट मिले हैं। वहीं इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजन संतोष को 548, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी कृपाल सिंह परमाल को 2,099 वोट मिले हैं। वहीं 68 विधानसभा वाले हिमाचल प्रदेश में फतेहपुर सीट कांगड़ा जिले के अंतर्गत आती है। फतेहपुर सीट निर्दलीय प्रत्याशी कृपाल परमार के कारण चर्चा में आई थी, जिन्हें कथित रूप से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मनाने के लिए फ़ोन किया था। वहीं सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें फ़ोन में दूसरी तरफ से आवाज़ जा रही है, अगर मोदी का तुम्हारे जीवन में कोई रोल है, जिसके बाद कृपाल परमार जवाब देते हैं, बहुत रोल है। इसके बाद फ़ोन में आगे सुनाई देता है कि इस फ़ोन की कीमत को कम मत आंकना। इसके बाद भी कृपाल परमार विधानसभा चुनाव से पीछे नहीं हटे। वहीं हमीरपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष शर्मा आगे चल रहे हैं, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अंतिम नतीजे आने का इंतज़ार कर रहा हूं। नतीजे आने के बाद किसी पार्टी को समर्थन देने पर निर्णय लूंगा।